सो यार भाई लोग कैसे हो। स्वागत है आप सभी का एक और ब्रांड न्यू संडे अमेजिंग स्पेशल फ्रेश थीम के वीडियो के एपिसोड पे, जिसमें मैं आप सब Xiaomi एंड Redmi डिवाइस यूजर के लिए लेके आया हूँ ऐसे एक लाइफ कूल 3D अमेजिंग थीम्स, जिसे ट्राई करके अभी तक का जो MIUI 10 में कस्टमाइज थीम यूज करने के यूजर एक्सपीरियंस है उसे कमाल का प्रोवाइड कर सकते हो। और भाई लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको ये थीम पसंद ना आए और अगर आपको लगे ये थीम अच्छा नहीं था तो मुझे कमेंट में लास्ट में बता देना कि सूरज भाई तुमने जो थीम बताया था वो अच्छा नहीं था। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा है थीम, कैसा है कस्टमाइजेशन, कैसा है इसका थीम का परफॉर्मेंस और कैसा है इसका कॉम्बिनेशन। सो विदाउट एनी मोर वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट इट। तो भाई लोग इस वीडियो पे लाइक टारगेट रखते हैं 300 लाइक्स का, तो फटाफट से इस वीडियो को एक लाइक कर दो। और अगर आप चाहते हो इस तरीके का अमेजिंग थीम के वीडियो और MIUI के कस्टमाइजेशन रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो भाई लोग अगर आपको इस थीम को डाउनलोड करना है तो हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन पे आपको थीम का डाउनलोड लिंक साइज एंड नेम मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट करके डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो थीम के स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड करना तो सिंपली आपको जाना होगा MIUI के थीम के स्टोर पर एंड देन आपको वहाँ सर्च करना होगा स्पेस स्टेशन DWM19। सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का आपको थीम देखने को मिल जाएगा, आपको सिंपली इसे डाउनलोड करके अप्लाई कर लेना है। इस थीम को अप्लाई करने के बाद यहाँ पर सबसे बड़ा या फर्स्ट चेंजेस आपको इस थीम में जो देखने को मिल जाएगा वो सिंपली आपको लॉक स्क्रीन पर। तो अगर आप फर्स्ट टाइम लॉक स्क्रीन पे आओगे तो आपको कुछ इस तरीके का प्रीसेट्स आपको लॉक स्क्रीन पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप इनमें से किसी भी प्रीसेट्स को आप चूज कर सकते हो। और भाई लोग अगर आप अपने फोन को चार्ज करोगे तो इसमें काफी सारा चार्जिंग के प्रीसेट्स एनिमेशन आपको देखने को मिल जाएगा। आप इनमें से किसी भी एनिमेशन को चूज कर सकते हो। जैसे मैं इसको लगाना चाहता हूँ, इसको आपको सिंपली डबल टैप करके सिलेक्ट करके ओके कर देना है एंड देन आप जब फोन को चार्ज करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का चार्जिंग एनिमेशन आपको देखने को मिल जाता है। और भी बहुत सारा प्रीसेट्स आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, आप एक एक करके चूज करके आपको सेट करके चेक कर सकते हो कैसा है। अगर आप लॉक स्क्रीन को ज्यादा कस्टमाइज करना पसंद करते हो, चार्जिंग एनिमेशन को कस्टमाइज करना पसंद करते हो तो इस थीम को आपको एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका होम स्क्रीन के बारे में। तो इसका जो आपको होम स्क्रीन देखने को मिल जाता है, इसमें जो आपको वॉलपेपर मिलेगा वो पूरा 3D आपको वॉलपेपर देखने को मिल जाता है। और इसका जो आपको आइकन देखने को मिल जाता है वो पूरा आपको 3D कूल एनिमेटेड आइकन आपको देखने को मिल जाएगा, जो इस वॉलपेपर के साथ कंबाइन करके काफी अच्छे एक आपको अपने डिवाइस के लुक को प्रोवाइड कर सकते हो। अगर हम लोग देखें इसके स्टेटस बार या नोटिफिकेशन पैनल को, तो इसका जो स्टेटस बार मिल जाता है वो पूरा व्हाइट एंड ब्लू के साथ कंबाइन करके काफी एक प्रीमियम टाइप का आपको नोटिफिकेशन पैनल देखने को मिल जाता है, जो देखने में काफी एक ऑसम एंड मिनिमल लुक को प्रोवाइड कर देता है। अगर हम लोग देखें इसका कॉलिंग स्क्रीन को, तो इसका जो कॉलिंग स्क्रीन आपको देखने को मिल जाता है वो पूरा व्हाइट एंड ब्लू के साथ कंबाइन करके काफी अच्छा एक मिनिमल टाइप का आपको कॉलिंग स्क्रीन आपको देखने को मिल जाएगा। और इसका जो मैसेज आपको देखने को मिल जाता है वो भी पूरा सेम टू सेम कॉलिंग स्क्रीन के जैसा आपको मैसेज देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस थीम के परफॉर्मेंस के बारे में। सो भाई लोग मेरे पास है Redmi Note 5 Pro, मैं इस थीम को यूज कर रहा हूँ 2 से 3 दिन हो चुका है और मेरे डिवाइस में अभी तक कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी आपको हैंग वगैरह या क्रैश वगैरह देखने को नहीं मिलता है थीम के अंदर। सो मैं भी विश करता हूँ आपके डिवाइस में भी कोई भी थीम अप्लाई करने के बाद प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। सो भाई लोग ये थीम के वीडियो कैसा लगा, ये थीम कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बता देना। सो अगर आपको ये थीम के वीडियो पसंद आई है तो प्लीज भाई लोग हिट दैट लाइक बटन। सो अगर आपने लाइक कर दिया सो थैंक यू सो मच। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।